हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इसकी कलेक्शन के बारे में। ये मूवी जो है काफ़ी बढ़िया कलेक्शन कर रही है। ये मूवी जो है ऑलमोस्ट 100 करोड़ का आंकड़ा ये मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर ही गई है। ये मूवी में हमें गिप्पी गरेवाल, सोनम बाजवा देखने को मिलेंगे। ये मूवी के डायरेक्टर हैं समीप कंग। गिप्पी गरेवाल की काफ़ी आने वाली मूवीज़ भी हैं। गिप्पी गरेवाल जो है पहले सुपरस्टार बने पंजाबी इंडस्ट्री के, जिन्होंने जो है 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। एंड जो है बॉलीवुड के एक्टर हैं आमिर खान, जिन्होंने पहली बार गजनी के साथ 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के लिए, हमारे पंजाबी एक्टर्स, पंजाबी सिनेमे के लिए काफ़ी बड़ी बात है। ये मूवी की जो बजट है, ये मूवी का बजट है 16 करोड़ का, काफ़ी बिग बजट विद बिग प्रमोशंस के साथ ये मूवी को जो है रिलीज़ किया गया था। काफ़ी उम्मीदें थे इस मूवी से, जो कि इस मूवी की जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर ये मूवी खरी भी उतरी है। ये मूवी जो है काफ़ी बढ़िया कलेक्शन कर रही है। बढ़िया कलेक्शन करने के साथ साथ ये मूवी जो है लोगों को हंसा भी पूरा रही है। इसके जो राइटर हैं वो है नरेश कथौरिया, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है डीपली डायलॉग्स लिखा है, जो कि है काफ़ी ज़्यादा डबल मीनिंग डायलॉग भी है इस मूवी में जो है वो काफ़ी पहली बार हुआ है। एक्चुअली पहली या दूसरी तीसरी बार हुआ होगा कि एक पंजाबी मूवी में डबल मीनिंग जोक्स हैं। ज़्यादातर थोड़े बहुत होंगे, पर इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा डबल मीनिंग जोक हैं। एडवांटेज ऑडियंस को जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। कई ऑडियंस ये भी होती हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि जो है एडवांस ऑडियंस जो होती है वो ज़्यादातर ऐसी मूवीज़ को देखना पसंद करती है। बॉलीवुड में भी ऐसी काफ़ी मूवीज़ होती हैं जिनमें डबल मीनिंग कॉमेडी होती है, तो ये भी उन्होंने इस बार जो है हमारे पंजाबी इंडस्ट्री में ट्राई किया है। तो इसकी जो है संडे की कलेक्शन ये मूवी की थी पिछले वीक की, वो थी 1.83 करोड़ की। संडे की कलेक्शन थी 2.5 करोड़ की। मंडे के ऊपर काफ़ी बड़ा ड्रॉप आया था, जो कि था 0.9 करोड़ की। ट्यूजडे के ऊपर इसने कलेक्शन करी 0.71 करोड़ की। एंड वेनसडे के ऊपर मूवी कलेक्शन कर रही है 0.74 करोड़ की। वेनसडे के ऊपर इसकी टोटल कलेक्शन हो चुकी है 99.98 करोड़ की। मूवी जो है आराम से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। अभी तक तो ये लग रहा है कि मूवी जो है 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के बीच तक की कलेक्शन आराम से कर सकती है। अगर आपने मूवी देखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। गिप्पी गरेवाल की आने वाली वेब सीरीज़ जो कि 28 जुलाई को आएगी, वो भी काफ़ी अच्छी, वो पूरी हॉलीवुड वाली फील दे रही है। वैसा बजट तो नहीं होगा, पर हाँ काफ़ी अच्छी ट्राई करी है उन्होंने बनाने की वो वेब सीरीज़। वो चौपाल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। फिर मूवी उनकी रिलीज़ होगी गिप्पी गरेवाल की मौजें मौजें, जो कि रिलीज़ होनी थी पहले कुछ, मुझे लगता है 15 सितंबर को, पर इसकी स्विच हो चुकी है डेट। एमी विर्क की मूवी गड्डी जानती है शिलांगा मारदी के साथ। मौजे मौजा अब रिलीज़ होगी 20 अक्टूबर को। एंड जो है गड्डी जानती है शिलांगा मारदी, ये रिलीज़ होगी 10 सितंबर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। टाटा, गुड बाय।